किया है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है शुरू से, क्योंकि जिस तरह से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, सबसे पहले जब इस बिल को लाने की बात कही गई, उसके बाद जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो उसके बाद जो भी नजारे देखने को मिले थे वो काफी ही, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है अभी तक। तो 24 सितंबर को बिल हुआ पास, 26 नवंबर से धरना हुआ शुरू, 8 दिसंबर को किया गया भारत बंद, 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का गठन, 21 जनवरी को कानून रोकने का प्रस्ताव, 22 जनवरी 11वें दौर की वार्ता पूरी हुई, 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर मार्च, 26 जनवरी को लाल किले पर प्रदर्शन, 27 जनवरी पर 37 किसान नेताओं पर FIR, 28 जनवरी पर गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस जुटी, 28 जनवरी को बॉर्डर खाली करने के आदेश, 24 सितंबर बिल हुआ पास, 26 नवंबर से धरना हुआ शुरू, 8 दिसंबर 2020 को हुआ भारत बंद, 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का गठन, 21 जनवरी 2021 को कानून रोकने का प्रस्ताव, 22 जनवरी 2021 11वें दौर की वार्ता हुई पूरी, 26 जनवरी 2021 को निकाली गई ट्रैक्टर मार्च, 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर प्रदर्शन, 27 जनवरी 2021 37 किसान नेताओं पर FIR, 28 जनवरी 2021 गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस जुटी, 28 जनवरी को बॉर्डर खाली कराने के आदेश दिए गए। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपने देखा कि पूरे साल क्या कुछ चला। सबसे पहले प्रदर्शन शुरू हुआ, बिल पास होने के बाद से ही सबसे पहले दिल्ली बॉर्डर का घेराव किया गया, प्रदर्शन शुरू किया गया, इसका ऐलान किया गया कि 6 महीने तक हम प्रदर्शन को जारी रखेंगे, और बल्कि तब तक इस प्रदर्शन को जारी रखा जाएगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती और जब तक इन 3 नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। तो आखिरकार 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज वो दिन आ गया जब किसानों को उनके परिश्रम का, उनकी जो इतनी लंबी परीक्षा चली, उसका फल मिला। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।